दौरान भी लाल बहादुर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या में करीब 105 का इजाफा हुआ। इस संख्या को बढ़ाने के लिए स्कूल के शिक्षकों की प्लानिंग की गई। अगर स्कूल के नामांकन बढ़ सकता है तो दूसरे स्कूल में भी इसे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेयर दयाशंकर तिवारी ने लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के शिक्षकों की योजना और कार्रवाई के लिए उनकी प्रशंसा की। निगम के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के शिक्षकों ने उचित योजना, कार्रवाई और कड़ी मेहनत के साथ छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे, वहीं निगम के स्कूलों के शिक्षकों ने छात्रों के घर जाकर शिक्षा देने की अभिनव पहल की। जहाँ ऑनलाइन पढ़ाई संभव हो और जहाँ संभव न हो, वहाँ शिक्षक खुद छात्रों के घर जाकर पढ़ाते हैं। मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नगर विद्यालय के शिक्षकों का यह कार्य सराहनीय है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी स्कोर को नीचे रखने की योजना बनाई। उन्होंने घर घर जाकर सीधे संपर्क कर अभिभावकों को लाल बहादुर माध्यमिक विद्यालय में मिल रही शिक्षा की जानकारी दी, इसलिए उन्हें खास प्रेजेंटेशन भी दिया। पिछले साल स्कूल में 300 छात्र थे, इस साल यह संख्या 105 बढ़कर 405 हो गई है। स्कूल के बारे में अच्छी चर्चा करने से यह संभव हुआ। उन्होंने कहा कि 30% की वृद्धि महत्वपूर्ण है और अन्य स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने स्कूल के प्राचार्य संजय पुण के नेतृत्व वाली टीम को बधाई दी। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी बधाई दी। नागपुर महानगर पालिका संचालित लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय से का महापौर कार्यालय को पत्र मिला। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि विद्यालय में जब सत्र तक 300 विद्यार्थी थे और इस वर्ष 105 विद्यार्थी बढ़ करके उसकी संख्या 405 हो गई। एकाएक 300 से 405 की संख्या जाना, अर्थात विद्यार्थियों में 30% संख्या की वृद्धि करना। कोरोना के कार्यकाल में जिस समय शिक्षण व्यवस्था को लेकर के अनेक प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ऐसे समय में महानगर पालिका के एक विद्यालय में एक साथ 105 विद्यार्थियों का बढ़ना, पट संख्या में 30% की वृद्धि एक ही सत्र में होना, ये अभिनंदनीय बात थी। इसलिए मैंने उन्हें तुरंत पत्र लिखकर के अभिनंदन किया और आज सभी शिक्षकों का अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।